हेलो, नमस्ते मैं रेखा, आपको स्वागत करती हूँ रेखा ब्लॉग में। तो आज हम एक बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं, चलो चलिए आपको भी लेके चलते हैं और आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा घर के पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। और चलिए आपको वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो जगह क्या है। और अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तो हम अभी ऑटो पर बैठ गए हैं, यहाँ से हमारे घर से घर के पास ही नज़दीक ही मेन रोड है, तो वहाँ से ऑटो मिल जाती है। तो अभी हम जो जिस जगह के बारे में मैं आपको बोल रही हूँ, तो हमारे घर से शायद आधा घंटे की दूरी, आधा घंटे नज़दीक, आधा घंटे का दूरी। मेरे पास मेरी एक बड़ी दीदी है जो कि कैमरा पे आना नहीं चाहती, वो आएंगी धीरे धीरे करके, लेकिन फिर अभी हम लोग चल रहे हैं, आधा घंटा लगेगा। और चलिए मिलते हैं वहाँ पर जाके। तो दोस्तों देखिए, मैं जिस जगह के बारे में बोल रही थी आपको, ये है विपत तारिणी मंदिर। चलिए चलते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। अगर मोबाइल अलाउ करेंगे तो मैं ज़रूर कैच करूँगी। देखिए, जय माँ विपत तारिणी, ये अंदर है। ये हमारे घर से लगभग ऑटो में आएंगे तो 7 मिनट लगता है, फिर आपको रोड माने ऑटो जहाँ पे उतार देगा ना, फिर आपको वहाँ से थोड़ा सा पैदल 5 मिनट का रास्ता है। देखिए कितना अच्छा सीनरी है, माता का मंदिर बहुत प्रत्यक्ष मंदिर है। और ये मंदिर में एक बार ही आई हूँ, अभी दीदी आज मुझे बोले कि चल रहे थोड़ा, तो मुझे बहुत इच्छा हुई और आप लोगों को दिखाने का, इसीलिए मैं दीदी के साथ आई। चलिए माता का दर्शन करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या। मैं एक बार ही आई थी तो इतना मुझे याद नहीं है। चलिए आपको मिलाती हूँ, दिखाती हूँ माँ का मंदिर, भव्य मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है। सब लोग बोलते हैं यहाँ पे जो मन्नत मांगते हैं ना माता, उसकी जरूर पूरा करते हैं। चलिए, ये भोग का दुकान है, ये सब मंदिर एंट्री। और चप्पल इधर से, अच्छा ये चप्पल का, ये चप्पल रखने के लिए है, यहाँ पे लोग चप्पल रखते हैं, उसके बाद अंदर घुसेंगे। चलिए, खुद ही रखना है ना। पानी से थोड़ा हाथ धो लेंगे। दीजिए, टोकन। आपको बाहर का चप्पल स्टैंड है, चप्पल स्टैंड में चप्पल रख के फिर आपको जाना है मंदिर के अंदर। चप्पल रखे इसलिए थोड़ा हाथ को धो लेंगे। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये देखिए भोग का दुकान पूरा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरा सब कुछ भोग मिल रहा है। अब भोग करने से देंगे नहीं, भोग हम तो दर्शन करके ही आएंगे। अच्छा, सब मिल रहा है इसके अंदर। हम लोग अभी अंदर एंटर कर रहे हैं। देखिए ये सब मिल रहा है अंदर। देखिए इसके अंदर क्या दीदी, हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश किए। ये मंदिर है, मंदिर बंद है क्या दीदी? माता ऊपर देखो, ये पास के मंदिर है, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पास के है, देवी देवता है। ऐसे आप जब एंट्री करेंगे ना तो ये पास को, ये ऐसे आपको पास को मंदिर मिलेगा, उसके बाद फिर हम लोग एंट्री करेंगे ऊपर। किस तरफ चल जी, ये हम लोग अभी ऊपर, ऐसे आप पास को मंदिर दर्शन करने के बाद ना आप ऊपर ऐसे जाओगे। ये मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ,
उसके बाद अभी मंदिर। गेट पड़ा है क्या दीदी? मंदिर बंद। हाँ तो यहाँ से ना। प्रभु आते हैं तो देखिए माँ माता को दर्शन कर लीजिए। माँ माया है, बहुत प्रत्यक्ष मंदिर है ये। माता है, हे माँ माता से आशीर्वाद मांग लीजिए, इसको जो मांगना है माता पूरा करेंगे। जय माँ। देखिए कितनी सुंदर देवी माँ है, देखिए इतनी सुंदर है, देखिए ये सब पार्श्व मूर्ति है माँ। देखिए मैं आपको क्लोजअप भी दिखा रही हूँ। वाह देखिए इस पार्श्व मूर्ति, देखिए ये नरसिंह है ना दीदी, नीचे लिखा है ना, ये शायद देखिए ये सब सब संत रामकृष्ण परमहंस, ये सब बहुत सारा बंगाली में लिखा गया है तो मैं इतना नहीं जान पा रही हूँ। फिर ये देखिए, वाह अच्छा लग रहा है ना दीदी? अच्छा 85 देखिए कितना सुंदर सुंदर मूर्ति सब पड़े गले फट देना है, ये सब दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर, ना ना इटे पूरा पूरा। तो दोस्तों आज ये मेरा ब्लॉग, देखिए ये मेरी दीदी है, देखिए हाय कर दीजिए दीदी, हेलो। ये दीदी बहुत ही अच्छी है, मेरी पूरा बड़ी बहन जैसी है, हम लोग एक साथ रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो मैं उनको बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, माता का दर्शन मैंने आपको करा दिया। अगर ये आज मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना, कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगी। बाय।